हमीरपुर में मंडी की संस्कृति का संगम स्थल के नाम से विख्यात ऐतिहासिक टोनी देवी मेले का आयोजन किया गया। हल्की बारिश की फुहारों के बीच आयोजित इस मेले में लोगों ने हर्षोल्लास के साथ भाग लिया। मान्यता है कि टोनी देवी माता कानों से बहरी है, इसलिए मंदिर में रखे दो पत्थरों को टकराकर आवाज पैदा की जाती है, जिससे माता का आह्वान किया जाता है। हमीरपुर व मंडी की संस्कृति का संगम स्थल के नाम से व्याख्यात ऐतिहासिक टोनी देवी मेले का आयोजन सोमवार को किया गया। हल्की बारिश की फुहारों के बीच आयोजित इस मेले में लोगों ने हर्षोल्लास के साथ भाग लिया। मान्यता है कि टोनी देवी माता कानों से बहरी है, इसलिए मंदिर में रखे दो पत्थरों को टकराकर आवाज पैदा की जाती है, जिससे माता का आह्वान किया जाता है। अब इन पत्थरों को साइड में रख दिया गया है। आधुनिक पीढ़ी पीतल की घंटियां बजाकर माता का आह्वान करती हुई नजर आती हैं। टोनी देवी मेले में इस बार राजस्थान से आए ऊंट की सवारी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। वहीं जलेबी पकौड़े व आलू छोले की दुकानों में भी भारी भीड़ देखने को मिली। करीब 350 साल पुराने मंदिर में ढोल ढमकों के बीच भक्तों ने पंक्ति में खड़े होकर माता के दर्शन किए। मंदिर कमेटी टोनी देवी द्वारा मंदिर तथा मेले में आए लोगों के लिए व्यापक प्रबंध किए हुए थे। लोगों ने मंदिर में लगातार चल रहे भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण किया। ग्राम पंचायत बारी के उप प्रधान राजीव चौहान ने बताया कि प्रशासन ने मेले में बिजली, पानी, ट्रैफिक व सुरक्षा व्यवस्था का पूरा प्रबंध किया हुआ था। किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आए, इसलिए सभी इंतजाम पूरे किए हुए थे। मंदिर कमेटी के प्रधान धर्म सिंह ने बताया कि टोनी देवी मेले को लेकर लोगों में भारी उत्साह था। उन्होंने कहा कि कमेटी पुरातन संस्कृति के अनुसार ही मेले का आयोजन करती है तथा बाहर से आने वाले लोगों के रहने व खाने की पूरी व्यवस्था भी करती है। मेला ऐतिहासिक है और बरसों से चला आ रहा है, और टोनी देवी के मेले में प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने बेहतर व्यवस्था की है, बंद भी किया है यातायात को, जिससे ट्रैफिक वगैरह जाम नहीं लग रहा है। और मेले के ये जो मेला है टोनी देवी का, ये माता मंदिर का मेला होता है, और मंदिर कमेटी इसको बेहतर बनाने में हर वर्ष योगदान देती है, और इस वर्ष भी इन्होंने बेहतर व्यवस्था की है। ऐसा है कि ये मंदिर जो है ये देवी के नाम से शुरू हुआ है, और जो देवी थी वो कानों से बह रही थी, तो जब श्रद्धालु यहाँ गेट के पास आते हैं तो वहाँ एक बड़ा सा जो पत्थर रखा हुआ है उसको दूसरे पत्थर से टक टक की आवाज़ करते हैं दो तीन बार। उसका तात्पर्य ये होता है कि देवी जो है या माँ जो है वो उसके कानों में आवाज़ आ जाए, इसलिए उसको मतलब उसकी आवाज़ करते हैं। मेले को लेकर क्या व्यवस्था की गई है कमेटी के द्वारा? मेले के लिए यहाँ जितना भी ये बाजार में मेला चला हुआ है उसके ऊपर कमेटी की कोई निगरानी है, कोई लड़ाई झगड़ा है इस तरह का कोई ऐसे वैसा कुछ नहीं है। हम अपने जो प्रशासनिक विभाग है उसको भी इसकी खबर देते हैं और इनवाइट करते हैं। दूसरे यहाँ हम सुबह हवन करते हैं प्रतिवर्ष, उससे शांति व्यवस्था भी बनी रहती है, और उसके बाद यहाँ पानी वगैरह का पूरा प्रबंध है। श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ आकर अपना आराम फरमाते हैं। लंगर की कोई व्यवस्था? हाँ, लंगर की भी यहाँ व्यवस्था है। वो यहाँ हमारे जो कुछ श्रद्धालु हैं जो जिन कुल्च को मनाने के लिए यहाँ आते हैं, वो पंजाब से प्रतिवर्ष आ रहे हैं, तो वो आज भी यहाँ ये नारा जो है चला हुआ है वो इसका। कार्यक्रम में वक्त तो चला, छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।